युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष कार्तिक जी और यहाँ पर उपस्थित युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के लिए काम करने का एक मौका दिया। राजनीति में आने से पहले मैं खेल संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था, बहुत वर्षों तक क्रिकेट खेला है, लेकिन क्रिकेट में खेलता था पंजाब की टीम का कैप्टन था। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं राजनीति में कहां से आया। क्रिकेट खेलता था, पंजाब की टीम का कप्तान था, तो ऑल इंडिया चैंपियन सदा हमारी टीम में रही, चाहे वो अंडर 16, अंडर 19, रांची ट्रॉफी या यूनिवर्सिटी की टीम हो, सदा चैंपियन रहे। लेकिन पिताजी राजनीति में थे और उनको एक बार दिल का दौरा पड़ा 1991 में। मुझे क्रिकेट छोड़कर व्यवसाय शुरू करना पड़ा, अपना बिजनेस शुरू करना पड़ा। 20 वर्ष की आयु में मैंने एक स्पोर्ट हाउस शुरू किया और क्रिकेट से एक तरह से नाता छूट गया था, क्योंकि 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, नई नई फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन सन 2000 में जब मैं 25 वर्ष की आयु का था, मुझे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। एक मौका भी था और उतनी बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि हिमाचल की टीम ने पहले कभी कोई मैच नहीं जीता था, कोई खेल मैदान नहीं था और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो देश में अपना नाम कर सका। लेकिन वो चुनौती ली, बहुत सारी अखबारों ने लिखा कि जब 50 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया तो एक 25 वर्ष का नौजवान क्या करेगा। शायद मेरे दिल को वही बात छू गई थी। मुझे लगता था अगर मैंने इस उम्र में नहीं किया तो शायद ये नौजवानों के लिए भी उतना ही गलत एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा कि युवाओं को मौका तो मिलता है लेकिन युवा कुछ करके नहीं दिखाते। संकल्प लिया और आज मैं प्रसन्नता के साथ ये कह सकता हूं, 11 वर्षों के बाद, 11 वर्षों से हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हूं। सन 2000 में हिमाचल क्रिकेट संघ का कोई मैच नहीं जीते थे, हमने केवल 5 वर्षों में 2005 में ही रांची ट्रॉफी की प्लेट ग्रुप चैंपियनशिप के राष्ट्रीय विजेता हम बने और इस वर्ष हर एज ग्रुप में हिमाचल की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, पहली 4 टीमों में पहुंची, जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट का 0 बैंक बैलेंस होता था, आज 150 करोड़ रुपए के एसेट्स हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के पास है, जहां पहले कोई खेल मैदान नहीं होता था, आज दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल मैदान क्रिकेट स्टेडियम हमने धर्मशाला में बनाया है। ये केवल हमने 10 वर्षों के अंदर करके दिखाया जो कोई 50 वर्षों में नहीं कर पाया। और शायद वहीं से मेरी राजनीतिक एंट्री भी हुई, मौका मिला, कांग्रेस के लोग आए, 5 वर्षों तक लगातार प्रयास करते रहे कि क्रिकेट संघ पर कब्जा आजमाना है। मैं भागा नहीं, मैं चाहता मैं जाकर अपना व्यवसाय देख सकता था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को क्रिकेट संघ पर कब्जा नहीं करने, उन्होंने गुंडे तक भेजे, स्टेडियम को बंद तक कर दिया, उसके बावजूद वो लड़ाई लड़ी और अंत में आकर जीते। लेकिन उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में ऐसा नाम हो गया था कि लड़ना जुझारू ये हमारे लिए लड़ सकता है। तो एक उपचुनाव आया तब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मुझे हमीरपुर लोकसभा से लड़ना चाहिए और सन 2008 है।